बट हमारी कैब ही नहीं हुई तो हमें ऑटो में आना पड़ा। पूरी फील आ रही है शादी की शॉपिंग की ऑटो में। तो चलिए चलते हैं, आपको भी खाते हम लोग क्या क्या लेते हैं, कहाँ कहाँ से लेते हैं। भयंकर भीड़ हो रखी है भाई, हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली हम लोगों ने, काफ़ी सारी हो रही है अभी। और दीदी काकर डोकरी वगैरह वो सब देख रही है। सही है, सिर्फ रवि का ले अपने बिना के तो कड़ा यही बनता है। भाई परेशान हो गए, दीदी की दुख रही है कमर, हम ट्रे वगैरह देख रहे हैं। भैया ये सारा सामान आज हम कटला से लाए हैं। एक ये पॉलिथीन है, एक ये है, ये है ट्रे, ये है, ये वाली ट्रे है, सारी पार्किंग का सामान है उसमें। इसमें सेरा का कंडोलें वगैरह हैं, इसमें भी है पैकिंग का सामान, बास्केट वगैरह। तो इतनी सारी शॉपिंग की आज हमें, और अब थक गए, अब करेंगे रेस्ट। तो मैं थकी यार स्कूल से आती हूँ, 5:30 बजे आके पहुँचती हूँ, और ऊपर से ये लड़की इतना दुखी करती है। अब देखो क्या कर रही है ये, क्या कर रही हो, कहाँ बैठे हुए हो, पहले तो आप ये बताओ हैं, क्या कर रहे हो यार? मैं डोल के बाल हैं। क्या कर रही हो? डोल के बाल धो रही हूं। तो ये कौन सी जगह है आपकी बैठने की? हाँ, यहाँ पे कौन बैठता है ऐसे? क्या आप चढ़े कैसे आप बिना मुड्डी के? मुड्डी भी नहीं है, चढ़े कैसे आप? पानी बंद करो, दादी से डांटेंगे, वेस्ट हो रहा है पानी। आपकी जुकाम लग रही है ना, पानी में लगे हुए हो आप। ये सारी दीवार का क्या हाल कर रखा है इस लड़की ने। पर ऐसे कोई भी अपने घर को गंदा नहीं करता बेटा, जैसे आप गंदा करते हो अपने घर को। अरे बस धुल गए भाई, बंद कर दो। हेलो एवरीवन, तो आपको गेट से पता चल गया होगा, नीतू रजावत, नीतू जीजा के घर पे आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे जिठानी सा जो हैं वो अपने पीहर गए हैं, उनके जो मम्मी हैं वो जीना कर रहे हैं करवा चौथ का, और मेरे जो सासू मैं वो करवा चौथ करेंगे नहीं, आपको पता ही है किसी वजह से। तो फिर मैंने सोचा दीदी के आ जाती हूँ, हमें ना कुछ शॉपिंग बच रही है हमारी, तो वो कुछ तो अभी मैं स्कूल से आ गई थी, उसी बार झोटवाड़ा मिल गए थे हम लोग, तो वहाँ कर ली थी, कुछ हम कल करेंगे। तो मैं दीदी के घर ही यहाँ पे कहानी सुनूंगी उसके साथ। मेरी शादी का जो पहला करवा चौथ था ना, तब हमने साथ में कहानी सुनी थी, और स्कूल में बच्चों ने मेरे मेहंदी लगाई थी। अभी तो इतना कलर नहीं आया है, कल आपको अच्छे से दिखाऊंगी। बच्चे बोले मैम हम ही लगाएंगे आपके, मैं क्या, आप लगा दो बेटा। हे गाइस, तो बज रहे हैं रात के 1 बजने वाले, 10 मिनट बचे हैं, और अब मैंने बहन जी की मेहंदी कंप्लीट की है। देखा इसने लगाई तूने? मेरा राती योगा करा रही है, मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, आई मेरे को लेके बैठी हुई है अभी तक भी। अब मैं जा रही हूँ सोने, ये अपना थोड़ा फ़ोन वोन में कुछ देख रही है। ये जी मेरी मेहंदी, काफ़ी अच्छा कलर आना शुरू हो गया, अब सुबह तक और अच्छा कलर आ जाएगा। एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज करवा चौथ, आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरा चूड़ा प्यारा सा, और ये मैंने आज ड्रेस पहनी है, और मेरे पैर इतने दुख रहे हैं क्योंकि मैं दीदी का शूट करके आई हूँ, अभी पैर दुख रहे हैं। और अब हम नीचे आए हैं और अब कहानी वगैरह सुनेंगे, हम काफ़ी लेट हो गए क्योंकि मार्केट भी जाना है, बट क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। क्योंकि जियो सावर भी नहीं थे, वो लोग अपनी आज रवि की ड्रेसेस वगैरह बनवाने गए हैं, खुद की बनवाने गए शादी की, और मैं घर भी जाऊंगी, तो मेरा ये था कि मैं आज ही सारा काम ख़त्म कर दूं। आज संडे की छुट्टी है, आज पूरा दिन ऐसे निकल गया। तो जल्दी से कहानी सुनते हैं और फिर देखते हैं, टाइम मिलता है तो मार्केट जाएंगे। पता नहीं दीदी, हेलो कर दो, ऊपर बढ़िया पे आ गया, कोई बड़ी ऊपर नहीं जाए तीन लोटा। मेरी परी मासो सा के साथ अपने और मामू सा के साथ चली गई थी, क्योंकि उसके पापा भी वहीं शॉप पे आ रहे थे, और सारा कपड़ा जो भी ले रहे हैं जेंट्स का हमारे ना, चाहे गौतम बना बनवा रहे हैं, चाहे संजीव डोसा या फिर रवि के बनवा रहे हैं, हम सभी चार भुजा साफा शेरवानी हाउस है जो खातीपुरा में, वहाँ से बनवा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे खुद के जवाईसा की शॉप है और बहुत अच्छा कपड़ा होता है। तो अगर आपको बनवाने हैं तो आप वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी ड्रेसेज आपको मिल जाएंगी।
चलो चलो कहानी शुरू करो। इधर मम्मा और भाजी जय जय कर लें क्या? जय जय कर लें, फिर पीटी कर लें। मेन बच्चन तुम कर रखा है। चल साथ ही देते मम्मी। आते कितने लो? सात बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते करवा की चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर नहीं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया, एक भाई छलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और छलनी में से चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दे। बहन बोली, आओ भाभी अर्घ दे दो। पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना फूटना लगा हुआ था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलने नहीं दूंगी, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गास्ती दो अबे कोमली लगा रही मोम जियो। घर वापस और खड़ी खड़ी कोई चक्कर आ रहे कि अब तो खाना भी खा लिया। तो मैं गौतम मनांग ना सुबह से कह रही थी, आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए, गिफ्ट नहीं लाए। तो बोल रहे थे कि क्या हो गया यार, अब की बार नहीं लाया तो अगली बार लेंगे। तो अभी 11:30 बज रहे हैं और इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत ही प्यारा सूट है। मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ पर लगाओगे फोटो बेटा? आप सो क्यों नहीं जाते हो? यह सूट बहुत ही प्यारा, जो कि लाइफ स्टाइल से लाइट। इसका दुपट्टा तो वो मतलब पहली बार मुझे इनकी पसंद की कोई चीज़ पसंद आई है। ये इसकी पैंट है और ये है बहुत ही बेटा रख दे, घूम जाएंगे। मैंने मामा की शादी के लिए मंगाई है सारी क्लिप्स, घुमा दो क्या? तो बहुत ही सुंदर सूट है, बहुत ही प्यारा कलर है। पहली बार मुझे गौतम मना की लाई हुई चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई है। बट पति कोई चीज़ लाया और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें ये दिक्कत है कि ये लेके आ गए एक्सेल, तो इनका मतलब कहना था कि एल अवेलेबल नहीं था, तो ये इन्होंने सोचा एक्सेल ले लेते हैं। हाँ बेटा ठीक है। तो आज ये आज नहीं लाए, कल लेके आए थे, बोल रहे थे कल शाम को ही लेके आ गया था। तो मैं कल शाम को ही दीदी के चली गई थी स्कूल से आते ही, तो ये घर आ गए थे तो मुझे पता भी नहीं था, नहीं तो कल ही चेंज करा लेते। तो अब ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं, कल जाके चेंज करा लेंगे, मे बी आ गया हो एल साइज़, और नहीं आएगा तो फिर इसमें और कलर भी थे तो वो कलर देखेंगे। आई होप यही कलर आ जाए क्योंकि मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अब सोते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई, कल स्कूल भी जाना है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।